हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का काफी महत्व है। माना जाता है कि कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती है। ऐसा ही एक पर्व है हरियाली तीज। ये पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी व्रत की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार हरियाली तीज पर्व 11 अगस्त यानी बुधवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं माँ पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुनकर बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार भेंट किए जाते हैं। इस तरह से इस व्रत का विधि विधान पूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि तृतीया तिथि 10 अगस्त को शाम 6:03 से शुरू होकर 11 अगस्त 2021 को शाम 5:01 पर समाप्त होगी। 11 अगस्त को पूजा करने के शुभ योग बन रहे हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:24 से 5:17 तक है। दूसरा विजया मुहूर्त में दोपहर 2:30 से 3:07 तक। इसके अलावा रवि योग भी बन रहा है। ये सुबह 10:42 से शुरू होकर रात तक रहेगा। इस व्रत में जल पीने तक की मनाही होती है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को निर्जला ही रखें। इस दौरान सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान और जाप शुभ फलदायी होता है। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।